birthday to you. जबरा जीते भैरव का ध्यान करिए, हाथ जोड़िए और गुरु का भैरव नमस्ते वासुदेवता भ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बहुत सारे वीडियोस तो नहीं बना पाए इसलिए ये रुद्राभिषेक के कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं जहाँ पे मैं और उसके डैडा कर रहे हैं रुद्राभिषेक। अरे बड़े बदमाश किसी अच्छा स्टार्ट करिए, हम लोग बैठ लेंगे। अरे शुरू करो। अरे याद नहीं, भूल गए। जितना याद हो तो बोलो। वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। तो आज है अभी का बर्थडे, तो रुद्राभिषेक हो गया, किशन का सारा काम खत्म हो गया है। अभी बज रहा है 2 और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट रुद्राभिषेक हुआ तो मज़ा बहुत आया। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, सुबह सुबह पूजा वूजा करके अच्छे से वो किया, फिर रात्रि को खाना खिलाया। अभी वो सो रहे हैं, मैं उसको पूरा दोपहर सुलाना चाहती हूँ ताकि शाम को वो पूरी मस्ती करें। पर अभी ये सारे कैटरिंग वाले आए हैं तो अपना खाना वाना का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेंट लग गया है और अभी डेकोरेशन वाले भी आने वाले हैं। केक हमने 7 बजे तक डिलीवर करने को मैंने बोला है, सो दैट 1 बजे तक हम तो केक कट करेंगे। और अभी फटाफट तैयारी हो रही है, बट मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एक साथ ही बोल दिया जाए। सो इट्स गोइंग ग्रेट, होपफुली पारी 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 मस्त जाएगा। एंड हैप्पी बर्थडे सब जरूर बोलना मेरे बेबी को, ओके। और आप लोगों की तरफ से ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ हैप्पी बर्थडे टू कोको। एंड को दिखाती हूँ कोको क्या कर रहा है। कोको बेबी को सुला दिया है, इनका डे सेकंड ड्रेस ऑफ द डे हो गया ये, और ये सो रहे हैं, इनको सो नहीं देते हैं। चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और छोटे 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 पार्ट में आपको ग्लिम्प्स दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फाइनल सेलिब्रेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा और होपफुली ये वीडियो टाइम पे जाएगा कल। मैं आज रात तुझे स्टार बना दूँ, सभी भी काम करा दूँ, बस फ्लोर तेरे नाम करा दूँ। हमारी पार्टी यहाँ से शुरू होती है। ये रहे उस आदमी के नाना और ये हो ये शूट और ये रहा डेकोरेशन। और मैं जैसे मैंने कहा था गेस करो, सो थीम था कोको मेलन, जो आदमी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अब सभी को बताया, ये डेकोरेशन इतना क्यूट लग रहा था ना, मैं कैसे बताऊं। और ये रहा बाकी का डेकोरेशंस, बाहर तक का नहीं ले पाया हमने, बट बाहर गेट पे हमने बहुत ही रेनबो टाइप का क्यूट सा आर्च बनाया था। और यहाँ फ़ोटोशूट जारी है। ये रहे आदमी के छोटे मामा अर्जुन मामा, जो उसके साथ तो, और उसको सबसे ज़्यादा उसी ने ही हैंडल किया था उस दिन, तो फ़ोटोशूट करा रहा है। ये रहा आदविक का बड़ा मामा अजीत मामा, जो अभी फ़ोटो क्लिक करा रहा है। ये लोग मतलब स्टार्टिंग में ही आ गए थे, जो बहुत ही अच्छी बात थी। और यहाँ पे अर्जुन मामा शो ऑफ करते हुए, एक के साथ प्लस पॉइंट था कि आदविक उसी के साथ टिक रहा था तो वो सारी जगह फ़ोटो क्लिक करा पाया। और एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उसी के साथ वो टिक भी रहा था, अम्मू के साथ या अर्जुन के साथ। तो अर्जुन को तो बहुत जगह आने को मिला वीडियो में भाई साहब। यहाँ पे मेरे पोस्ट पर आज भी का फोटो शूट चल रहा है और अर्जुन उसमें हेल्प कर रहा है, पोस्ट करने में काम कर रहा है कि ताकि वो काम डाउन हो जाए और वो फोटो क्लिक करवाए। प्रॉब्लम यहाँ पे था ना कि वो डीजे का बीट इतना हाई था कि आदमी को डांस तो करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था साथ में। सो शूट हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना क्यूटली वो शूट किया जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है, बर्थडे बॉय का लुक लिया जा रहा है। अब भाई साहब अच्छे से पोज भी कर रहे हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको बीट से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डांस भी करना है लेकिन स्टेज पे भी नहीं जाना। और ये देखो भागा फटाक से कि मुझे डांस फ्लोर पे नहीं, मुझे नीचे डांस करना है। और कितना क्यूट लग रहा है मेरा सोना बेबी,
और ये हो रहा है इसका सारे एंगल से शूट, और चढ़ाकर से डांस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन डांस नहीं कर पा रहे बेचारा। और कैमरा वाला भी बहुत परेशान हो गए थे, भैया ये लड़का टिकता ही नहीं है बोल के। और देखो कितना क्यूटली पोज दे रहा है, उसको इंटरेस्ट भी है लेकिन कर नहीं पा रहा। और यहाँ पे वापस से मैं लग रही हूँ, नहीं मैंने इसीलिए साड़ी पहना था क्योंकि सारे रिलेटिव गैदर हुए थे तो मैंने बोला बेस्ट टाइम है। वैसे वह यूजली मैं पहन नहीं पाती हूँ तो इसलिए मैंने बोला कि चलो मौका अच्छा है पहनते। और ये मैंने दिया स्टेज अर्जुन को, इन्जॉय करो बोल के। और आप देखो देखे जे जे को देखे इतना खुश हुआ था ना, कलरफुल इतना अच्छा सा डेकोर किया था। और बाई दे डेकोरेशन और केक और साथ में डीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी जो मैंने फर्स्ट क्लास की है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे डांस चल रहा है आत्विक का, ये रहे उसके मामा लोग, ये डैडी, डैडी के समधी जी यानी कि दिव्या के पापा, उस पीछे विवेक देव मेरे कजन्स हैं, और यहाँ पे अर्जुन वापस, और ये मेरे पति देव सबको प्रणाम करते हुए। ये अजीत आ गया, अजीत अभी कोको को डांस कराएगा है ना बेबी, क्योंकि आदमी मेरे बगल में बैठा है इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ है ना बेबी। और यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही है मामा भांजे की। मामा तो एकदम पागल है, वो कुछ भी करता है आदमी के साथ, उसको भुलाएगा कूदेगा हाँ बेबी। और आदमी वापस से डांस फ्लोर, इसको इतना डांस करने का मन कर रहा था ना लेकिन बेचारा इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम था कि वो सोच सोच के डर जा रहा था कि मैं नाचू कि नहीं नाचू, देखो भागने लगा वापस से। बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते ना क्योंकि बीट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बट फिर भी आदमी पूरा ट्राई कर रहा था डांस करने की। उसके डैडा उसको नचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, भैया और मेरा शो ना बेबी कितना क्यूट लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताना, बताना ही बताना। और ये देखो वापस से उसके मामा जी उसको हैंडल करते हुए, लेकिन वो स्टेज पे जा ही नहीं रहा था, देखो साइड में डांस कर रहा है क्योंकि सेंटर में जा रहा था, डर जा रहा था। और ये भाग गया मेरा बेबी कितना क्यूरी पाई लग रहा है, मैं तो ये बोलने से ही बार बार नहीं थक रही। और आप लोग भी बोल लोगे कि कितने पॉजिटिव है ये अपनी बेबी करके, हाँ ना बेबी आ जाओ। सो और क्या चल रहा है भाई साहब, सोच रहे हैं मैं ये नंबर 2 कैसे हटाऊं, आज आद्विक हो गए 2 साल के भाई साहब, 2 ईयर्स या 2 ईयर नाउ बेबी। और ये निकालने की कोशिश कर रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू, आई वॉन्टेड टू बी वॉट बेबी। तो उसको कोको मेलन बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सोचा था कोको मेलन थीम से बेस्ट थीम कोई और हो ही नहीं सकता। और इतना गुस्सा आया था ना मुझे टेंट वाले पे, उसने क्या किया जाते समय जब सब कुछ हट गया ना तो उसने सारे कटआउट ले गए, मैंने सोचा था वो कटआउट में रखूँगी। और ये रही मेरी मम्मी जी पीछे सबसे छोटी वाली मासी जी, और ये भाभी जो जा रही हैं अभी आएँगे सबको ही मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। यहाँ वापस से डांस फ्लोर पर कोको और अर्जुन, इन लोगों की मस्ती तो ऐसे ही चल रही थी तो चलने देते हैं। और क्या है भाई साहब जल्दी जल्दी बताइए, पोज दे रहा है, पोज दे रहा है, फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी सब लोग बैठे हुए, ये है अजीत, ये है देव, वो है विवेक और वो है श्रेया। सो ये सारे मेरे कजन्स हैं जो आए हुए थे, ये मेरे पापा जी और पीछे मम्मी जी थी। और ये रहा है, इन दोनों को तो जान ही गए हो अब तक, इतना अगर पूरा वीडियो देखा होगा यहाँ तक तो। और वापस आदमी डेकोरेशन के पास जा रहा है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही है, यहाँ पे हैं ये मेरी मौसी जी जो अभी खड़ी हैं, सबसे बड़ी वाली मौसी जी हैं, ये मैं हूँ जो उनको बोल रही हूँ बैठने के लिए, और ये मेरी भाभी, और ये रहे आदविक, ये बहुत ज़्यादा थक गया था बेचारा तो मैंने उसको बोला कि भाई तू सो लेट ले, मैं नहीं चाहती कि तू सो जाए। लोग हैं पहले बैठी हैं दिव्या की मम्मी, देन मेरी सबसे बड़ी मौसी ये हैं, और ये रही मेरी आंटी सबसे छोटी वाली बुआ सब बीच वाली। और उधर चल रहा है ये माइका था और वो रहा ससुराल साइड, ये मेरी ननंद है, और ये रही मैं और मेरे पति देव जो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे पता नहीं, बट जो भी डिस्कस करते बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई थिंक हम कुछ तो हमें चाहिए था जिसके लिए हम लोग सर्च कर रहे थे। सो ये सारे डेकोरेशंस, खाना रेडी हो रहा था, टेबल सेट हो रहा था, और मैं इधर से उधर पागल हो रही थी भागो दौड़ी में। और इधर वापस से मैं जाते हुए ढूंढते हुए पता नहीं किसको ढूंढ रही है, मेरे डैडी, डैडी के समधी जी, ये डेकोरेशंस, और यहाँ पे बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, ये है दिव्या के भाई और ये मेरा भाई, और उसके बाद ये बाकी सब लोग को मैंने इंट्रोड्यूस किया ही है, ये है सृष्टि मेरी कज़न, ये उसके डैडी।
सो गॉड, इतना ज़्यादा क्योस हो गया था ना, इतना ज़्यादा। ये विवेक, अर्जुन, ये दिव्या का बड़ा भाई, उसके बाद वो ये छोटा वाला भाई, ये अजीत मेरा बड़ा भाई, ये देव मेरे छोटे वाले अंकल का सबसे छोटा वाला बेटा, और ये मेरे छोटे वाले अंकल, और ये मेरे बीच वाले फूफा जी। सो फुल लॉन फैमिली टाइम था, ये फुल लॉन फैमिली टाइम कि मैं बता ही नहीं सकती, मुझे इतना मज़ा आता। ये पापा जी और ये मेरे हस्बैंड जो जा रहे हैं, पापा जी भी जा रहे हैं, कुछ इतना भगा दौड़ी हो गया था कि पूछो ही नहीं। और वापस से ये देखो चाट रेडी, गोलगप्पे थे, चाट था और दही मंचूरियन था, नूडल्स था, और खाने में पनीर की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, और यहाँ पे सब कोई फोटो शूट करते हुए। और ये जो हैप्पी बर्थडे का गॉगल था ना, ओ गॉड, इसके तो जो फनी लग रहा था ना सब लोग, लेकिन पोज भी करा रहे थे, वीडियो भी क्लिक करा रहे थे, विच वॉज अ ग्रेट टाइम वी हैड। ये मेरी मम्मी जी बीच में, मम्मी और दिव्या की मम्मी, तो यहाँ पे उन लोगों का फोटो शूट रहा, तीनों संधि लोग गॉगल लगा के अपना फ़ोटो क्लिक करा रही हैं। फिर फोटो क्लिक कराने के बाद हुआ कि अरे भाभी साहब के साथ भी फ़ोटो क्लिक करा दिया जाए। तो ये मेरी सासू माँ और भाभी, उसकी मम्मी, और लास्ट में कॉर्नर में मेरी मम्मी, सब लोग फ़ोटो क्लिक करा रहा था, और बुआ बैठी हैं, आंटी बैठी हैं, ये मामी जी जो खड़ी हैं, जो सबको गॉगल लगवा रही थी, मतलब इनका काम था कि सबको गॉगल लगाएं। ये छोटी वाली मामी हैं मेरे पति देव की साइड की, बहुत ही प्यारी हैं, मतलब इतनी प्यारी मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को। ये मौसी जी तो मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यारी हैं, सबसे बड़ी वाली। और ये मैं आगे आदवी को लेके कि चल भाई तू अंदर ही बैठ, क्योंकि इधर उधर बहुत भाग रहा था। और अभी एंट्री जो की है वो मेरी मीना बुआ हैं, वो जस्ट अभी आई हैं, वो थोड़ा लेट आई थी बट ठीक है, आ गई थी। और वो क्षितिज है, ये मामी जी, देखो सबको गॉगल लगा रही थी, वो इतना मज़ा आ रहा था उनको, सबको गॉगल लगा, खुद नहीं लगा रही थी। और ये अम्मू मजे ले करते हुए आदवी के साथ अपनी सेल्फी वीडियो रील्स के लिए सब तैयारी कर रही हैं मैडम। और आद्विक इसके साथ ही काम डाउन रहता है, और अर्जुन के साथ, वो दोनों अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ये बुआ चाट खाते हुए ये लोग मज़े कर रहे हैं, मैं तो कुछ खा भी नहीं पाई यार, मतलब खाई बट सब कुछ नहीं खा पाई मैं। सो एनीवेज, हम उस दिन खिलाने वाला दिन था तो इसलिए मैंने खाने पे फोकस नहीं किया। ये मेरी बीच वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ नहीं आ पाई थी, अब क्यों नहीं आ पाई, उनसे बात नहीं हुआ तभी तो मुझे पता नहीं है। और ये रहा कोकोमेलन का थीम केक, इतना क्यूट था कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सारे बच्चे पागल, उनको डेकोरेशन बहुत पसंद आया, केक बहुत पसंद आया। सो आई वॉज़ हैप्पी कि उन्हें सब कुछ पसंद आया, एंड दे वॉज सुपर डुपर हैप्पी, मतलब सबको अच्छा लगा, जितनी जैसी भी हमारी पार्टी गई, दे जस्ट लव्ड इट। और ये पति देव तो मतलब काम छोड़ के पोज कर रहे हैं अब बच्चे के साथ, मेरे को तो समय ही नहीं मिला कि मैं एक बार आदवी के साथ बैठ के फ़ोटो क्लिक करा लूँ या वीडियो बनवा लूँ, आई वॉज़ कम्प्लीट बिजी। और ये जो रिकॉर्डिंग कर रही है वो है अम्मू, सो मैंने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको देखने को नहीं मिलती। और डेकोरेशन देखो कितनी कितनी क्यूट सी डेकोरेशन कराई थी, मतलब इट वॉज़ लाइक मैं बना ही नहीं सकती, आई के नॉट से और एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कैसा फील था उस दिन, क्रेजी मज़ा आ रहा था। ये डैडी मेरे, ये सबसे छोटी वाली बुआ, और वो मामा जी जो मामी जी ने दिखाया था ना मैंने, ये उनके हस्बैंड, ये सब बोलते हैं मुझे कि मैं इनकी फेवरेट हूँ, पता नहीं क्यों बट एक्चुअली हूँ। सो ये पापा जी, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये अनुज मेरे देवर, ये दद्दा जिस पतिदेव के सबसे बड़े वाले भैया। और यहाँ पे वापस से केक कटिंग की प्रिपरेशन के लिए मैंने बोला चलो भाई केक करते हैं, क्योंकि 8:30 हो चुका था या 9:00 हो रहा था, तो सबको प्ले। ये मामी जी हाय बोलते हुए आद्विक को, सो पापा जी और पतिदेव वेट कर रहे हैं हम लोगों का। और मैं गई थी टीका लेने के लिए, और मम्मी जी को बोली हूँ चलिए, आप डैडी जी अकेले हैं, पापा जी अकेले हैं, आप चलिए। और वो बोली मैं अपनी देवरानी को छोड़ के नहीं, मैं बोली चलिए उनको भी लेके चलिए। सो इट वाज सो फनी एंड क्रेजी टाइम वी हैड। और हम लोग हुआ कि केक, मैं बुलाए जा रही हूँ सबको कि आइए आइए, ये बाकी हम लोगों को केक कटिंग करके जल्दी से आगे का प्रोसेस करना था, एज लाइक सबको खाना के लिए रेडी करना था। ये सबसे बड़ी वाली बड़ी वाली भाभी, और यहाँ पे केक कटिंग के लिए प्रिपरेशन हो रही है, और मेरा इंतज़ार हो रहा था कि मैं आऊँ टीका लेके और राइस लेके, सो दैट हम आदवी का टीका कर सकें और हम लोग केक प्रोसेस स्टार्ट करें। सो वो हो रहा है, और आदवी तब तक मस्ती पे मस्ती किया जा रहा था, और ये भाभी टीका लगा रही हैं आदवी को, बट वो बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा है। सो मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैंने भी ज़बरदस्ती का ही इसको टीका लगाया, बिकॉज वो इतना भीड़ हो गया था ना, क्योस हो गया था कि वो रेडी ही नहीं हो रहा था किसी चीज़ के लिए।
सो इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर हिम. और कैंडल बुझाना कितना पसंद है आदमी को, बट ही वॉज नॉट रेडी टू डू दैट बिकॉज इतना क्राउड था ना, तो वो डर गया कि क्या हो रहा है. वैन बट लेकिन जब हैप्पी बर्थडे सब कोई गाने लगा तो ही वॉज कम्फर्टेबल एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग ए बी सी डी एंड देन हैप्पी बर्थडे. और अभी बैकग्राउंड में वो यही ए बी सी डी गा रहा है. तो ब्लो करने को बोल रही हूँ, कर ही नहीं रहा था तो फिर मुझे ही कैंडल ब्लो करना पड़ा. उसके बाद हम केक कटिंग करने जा रहे थे, तो मैं पहले पापा जी को बोली, पापा जी मम्मी जी आप लोग केक आप लोग भी पकड़िए बिकॉज इट्स अ फैमिली टाइम और सभी खा रहेंगे. फिर भाभी को मैंने बोला, दद्दा को मैंने, हम लोग भैया को दद्दा बुलाते हैं, सो दद्दा को बोला सबको, हमने फैमिली में सबको साथ में मिलकर केक कटिंग की है. उसके बाद हम हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लगे. केक तो आदविक ने टेस्ट किया ही नहीं बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल इतने क्राउड में. सो हमने उसको फोर्स नहीं किया केक खाने के लिए बिकॉज अगर कहती तो फिर बहुत ज़्यादा वो इरीटेट होता, तो मुझे इसे इरीटेट नहीं करना था. और ये रहा सब कोई वेट कर रहा है अपने अपने टर्न का, गिफ्ट देने का, फ़ोटो क्लिक कराने का. तो मैं क्या ही बताऊँ, गॉड इतना क्योस हो गया था ना, मैं क्या बताऊँ. और आदमी कभी मेरा पैर बैठा. ये दिव्या की मम्मी है, ये जब सारे बच्चे तुरंत उनको देना है, तुरंत उनको गिफ्ट देना था. तो मैं बोली भाई आराम से सभी लोगों रुक भी नहीं रहे, सब दे दे के भाग रहे, तो पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या दे रहा है कौन क्या नहीं दे रहा है. इट वॉज सो डिफिकल्ट. तो मैंने बोला भाई पकड़ लो, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, नहीं कर बेटे मत कर. और यहाँ पे देखिए ये हमारी तरफ से था, ये आदविक और आदविक के लिए गिफ्ट था उसके मम्मी डैडी की तरफ से, जो हमने उसको एक गोल्ड चेन दिया क्योंकि अगर बर्थडे गिफ्ट तो बनता है, तो हमने सोचा उसके लिए कुछ गोल्ड का दिया जाए. तो मैंने चेन डिसाइड किया था कि हम लोग उसको चेन देंगे. और उसके नाना नानी उसके लिए ब्रेसलेट दिए, जो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे चाहिए था आदमी के लिए रेगुलर वेयर के लिए कुछ, तो मैंने बोला ये दीजिए. और ये मैं पठानकोट से ही लेके आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे. जैसे लास्ट ईयर हुआ था हम आए या नहीं, आदमी के गिफ्ट तो पहुँच जाते हैं, तो इसलिए हमने पसंद किया था. और ये भी मैं पठानकोट से ही आई थी, लेके आई थी, मुझे बहुत दूर सा मिल गया था नज़र बट्टू उसके मामा मम्मी के साइड से. पैसे इन लोगों ने ही दिए बट मैं लेके आई थी, अगर नहीं आ पाती तो गिफ्ट पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए मामा मामी या नाना नानी ने पहले भी दिया था. जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ था, उन्होंने रिंग दिया था आदविक को. तो ये बड़ा ही क्यूट सा मुझे मिल गया था, तो मैंने ये सिल्वर का लिया था आदविक के लिए. तो मामू पूरी कोशिश कर पहनाते हुए, ये दिव्या की बहन के सास ससुर हैं मम्मी पापा, और ये दिव्या की बहन जो मेरी भाभी हैं. सो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है, ये मैं इंट्रोड्यूस करा रही थी, तो वो पति देव प्रणाम कर रहे थे और कैमरा वाले भैया बोल रहे हैं सामने तो देख लो, इंट्रोड्यूस तो ठीक है, एक फ़ोटो तो क्लिक करा लो सबको. सो हमने गिफ्ट को साइड करते हुए सबको बोला आप सामने आ जाओ. और जो गोदी में ये है ना, ये उनकी बेटी है लड्डू. और ये रही मेरी सबसे छोटी वाली आंटी जो गिफ्ट दे रही हैं. अंकल अभी मिसिंग हैं, अंकल आएंगे तो फिर उनके साथ भी पोज करेंगे. और ये मेरी बुआ बेटी नहीं कर पा रही हैं, वो साथ में ही गिफ्ट दे दे रही हैं अपना. सो ये बुआ का गिफ्ट हमें मिला. और उसके बाद ये आई इनकी लवली बुआ जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी दिसंबर में, तो वो आई अपने पति देव के साथ आदविक के बर्थडे में. सो ये आदविक की बुआ हैं और फूफा जी. और अभी जो बुआ गई हैं इनकी मम्मी हैं, सबसे छोटी वाली मौसी जी हैं ये मेरे पति साहिब के, पति देव की सबसे छोटी वाली मौसी जी. और ये मामी की बेटी जागृति और ये मामी सबसे छोटे वाले मामा मामी. और ये आंटी अंकल के साथ अब पोज देने आई हैं क्योंकि गिफ्ट तो देती लेकिन फ़ोटो नहीं क्लिक करवाता, तो अंकल आंटी के साथ फ़ोटो और शूट हो रहा है. उसके बाद विक्की मोनी बुआ जो बड़ी ही प्यारी हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके आई हैं. और वो बॉब से बात करना चाह रहे थे, उसको फ्रंट में देखना चाह रहे थे, लेकिन मैं बोली बहुत इरीटेट हो गया इसलिए वो देख नहीं रहा था. लेकिन उन्हें बहुत मज़ा आया आदविक से मिल के. और ये मेरे बीच वाले फूफा बुआ जो गिफ्ट पहले देते थे लेकिन क्विक क्लिक करा पाए थे, तो उन्होंने पोज दिया. फिर उसके बाद ये रहे दूसरे बर्थडे बॉय. सो आदविक अपना बर्थडे शेयर करता है अपने कज़न मामा और कज़न चाचा के साथ. सो वो लोग आए थे, ये विवेक और देव दोनों ही मेरे छोटे वाले अंकल आंटी के बेटे हैं और मस्त हैं. ये मेरी भाभी के दोनों भाभियाँ जो उनके माई के साइड थे, और एक और भाभी हैं जो आई नहीं थी ड्यू टू सम रीज़न, बट अच्छा लगा सबको ही आया, हम पोज कर रहे थे. और ये रहा एंड ऑफ द डे गिफ्ट का, तो लास्ट में पापा जी आए अपने गिफ्ट के साथ ब्लॉकबस्टर स्टाइल में. तो मम्मी पापा जी की तरफ से ये था आदविक के लिए गिफ्ट, वो है गोल्ड चेन. मतलब ये कोइंसिडेंट हो गया कि हमने भी गोल्ड चेन लेके आए, उसके दादा दादी जी ने भी गोल्ड चेन दिया आदविक को.
तो मैंने बोला अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, और साथ में सब क्लैप करने लगे। मेरे पापा जी को बोले पापा जी पोज तो दीजिए, चेन पकड़ के फोटो तो क्लिक कराया है, चेन दिया है, पोज करना तो बनता है, शो ऑफ करिए। मैं बोली मम्मी जी को, तो मम्मी जी बोलती है नहीं पापा जी दिए हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, दोनों की तरफ से हुआ ना, ऐसे थोड़ी आता ना, आता आता थोड़ी ना होता है। तो हमने पोज किया, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कराया। अब उसकी वीडियो नहीं बन पाई, बट फिर उसके बाद हम चले गए खाना पीने के बाद, जब थोड़े लोग चले गए तो हमने डांस फ्लोर को एंजॉय किया। ये पतिदेव अपनी मौसी जी के साथ डांस करते हुए, मम्मी भी थी, वो दद्दा, ये मैं, और मोनी जी तो क्या डांस करती हैं, ये अद्विक की बुआ, वो डांस कर रही हैं अच्छे से। सो आज का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लाना एंड हिट ऑन द बेल आइकन, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और अभी तक चैनल पे बने हुए हो तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही डांस देखते रहो। सभी डांस कर रहे हैं, ये आदवी के बड़े पापा जो डांस कर रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए म्यूज़िक पे मैंने म्यूट कर रखा है। कोई तो नागिन डांस था, और ये रहे आदवी के डैडी, डैडा और चाचू लोग। अम्मू को डांस करना चाह रही थी बट इतना गाना उसको पसंद नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वो डांस नहीं कर रही थी। बट सभी इंजॉय खूब किए और बड़ा ही मज़ा आया। और वो सबसे छोटी वाली मौसी जी जो डांस करने के लिए रेडी हैं और डांस कर रही हैं देवर साहब के साथ। सो ना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, अब करते हैं समाप्त वीडियो को। आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट किया आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और यहाँ पे हैं उकू भाई साहब जिसमें हम वीडियो एंड करेंगे। बाय बाय।